तो हर बूथ 370 से मजबूत, 370। जब से पीएम मोदी ने 370 का टारगेट रखा है, तब से एक सियासत में नया संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी का ऐलान यह कि 370 पर काम हो रहा है, 370 मतलब ये 370 का टारगेट पे। अब इसमें हर बूथ पर 370 वोट का भी टारगेट रख दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर हुआ तो वाकई में अपने आप में एक चमत्कार होगा। 5 लाख वोट से जीत का टारगेट, 5 लाख। और जो उत्तराखंड को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस टारगेट को छू पाना असंभव जैसा है, इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी विधानसभाएं हैं और विधानसभाओं के परिप्रेक्ष्य में जीत और हार का मार्जिन बहुत कम। ऐसे में 370 क्या इतना आसान हो पाएगा? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार 370 वाली पहली क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जीत का फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अभी तक नेताओं की जिम्मेदारी तय की थी और अब बूथ मैनेजमेंट पर भी बीजेपी ने काम करना शुरू किया है, जिसमें हर बूथ पर पिछली बार से ज्यादा यानी पिछली बार के वोट से 370 वोट हासिल करने हैं। यानी पीएम के 370 सीट जीतने के टारगेट के बाद अब बूथ स्तर पर 370 वोट का टारगेट रखा गया है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने की उपलब्धि के रूप में जनता तक पहुंचाने का नया तरीका खोज निकाला है। अब चुनाव की इस बेला में बीजेपी ने इसे भी वोट के रूप में कैश कराने की नई रणनीति तैयार कर ली है। पहाड़ी जनपदों में बीजेपी ने हर बूथ पर 10% वोट की बढ़ोतरी करने और शहरी क्षेत्र में हर बूथ पर पिछले साल के आंकड़े में 370 नए वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का दावा ये भी है कि राज्य की 5 सीटों पर फिर से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हर सीट को 5 लाख से ज्यादा वोटों से तभी जीता जा सकता है जब 370 का फॉर्मूला कामयाब हो जाएगा, जबकि कांग्रेसी तंज कसते हुए इसे सिर्फ सपना बता रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का तर्क है कि जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहाड़ में हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते, जब पोलिंग होता है हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे। लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। क्योंकि 370 वोट का असर अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी को सरदार सुमन का विषय भी रहेगा, तो इसकी दृष्टि हमने लिया। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष ने उत्तराखंड के अपने कार्यकर्ताओं को घुट्टी दी है, मंत्र दिया है कि हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट लाने हैं। अब 370 का जो अंक है वो शुभ साबित होता है या अशुभ भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो भविष्य बताएगा। उत्तराखंड में बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक पूरी करनी चाहती है, लेकिन इस हैट्रिक में वो नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, जिस रिकॉर्ड में विपक्षी दल सत्ताधारी दल बीजेपी के आगे बौने नजर आए। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि आत्मविश्वास ठीक होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को पराजय की ओर धकेलने का काम करता है। ऐसे में जनता जनार्दन किसे सत्ता सौंपती है और जीत का सहरा किसके सर बांधती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। मगर इतना जरूर है कि 370 की कहानी ने कांग्रेस की नींद जरूर उड़ा दी है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट।
तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। कुंवर जपेन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। मथुरादत्त जोशी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के चेहरे हैं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, पिछली बार के मुकाबले जितने वोट बूथ पे मिले थे उससे 370 ज्यादा लेकर आओ, लेकिन 5 लाख वोट का जीत का मार्जिन। कुंवर साहब, आपने तो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये 5 लाख और कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखिए, ठीक है कि विपक्ष से कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे जन जागरण और जन जागरूकता के तौर पर देखती है। एक तो 370 का जो दर्द इस देश को 60 वर्षों से अधिक तक मिला, और एक ऐसी राजनीतिक और कूटनीतिक भूल जिसका खमियाजा इस देश ने 60 से अधिक वर्षों तक भुगता, तो ये कांग्रेस तो बताएगी नहीं लोगों को। हाँ। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ये सब बता रही है कि इस तरह की राजनीतिक और कूटनीतिक भूलों की वजह से कांग्रेस ने देश का कितना बड़ा नुकसान करा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डेफिनेटली बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और इस देश के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हुए लोगों के अंदर उनके अच्छा मतलब जनता 370 के नाम पे वोट देगी आपको, आपको लग रहा है? जनता किसके नाम पे वोट देगी ये जनता जानती है। हमारा काम है कि जनता को जागरूक करते रहना, जनता को ये नहीं कंफ्यूजन हो रही है। कुंवर साहब थोड़ा सा क्लियर करिए, आप 370 के नाम पे वोट मांगोगे, यूसीसी के नाम पे वोट मांगोगे या फिर राम मंदिर के नाम पर? हम जनता से सिर्फ देश के नाम से, देश के विकास के नाम से, राष्ट्रीयता के नाम पर, और जो देश का जो मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है पिछले 14 वर्षों में, हम उसे दिखा रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगोगे आप? कहा कि आपको कि राम मंदिर की जनता जनता जनार्दन जानती है कि उसे किसे चुनना है। पिछले 9 वर्षों में 2000 जोशी जी से भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद है देश की जनता। मेरे उस सवाल को गोल कर गए, वो 5 लाख टारगेट वाला, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं कि ये मसला क्या है। खैर, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि भैया 370 ज्यादा लेकर आओ, एक था ना मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब ये है कि हर बूथ 370 से मजबूत। बताइए एक नया नया प्लान, और आपके पास क्या प्लान है जोशी जी? देखिए तिलक जी, हमारे पास तो आप जानते हैं कि भाजपा की तरह मुझे तो बड़ा लग रहा है कि सर एक बार फोन अगर पास ले आएंगे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। भाजपा के लोग मेरी समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर या भविष्यवक्ता हो गए हैं, या पहले से प्लान करके चल रहे हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर दे रहे हैं। हाँ। कोई 370 कह रहा है, कोई 300 पार कह रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं। अब नई बात आपकी आ गई कि हर बूथ पे 370 अतिरिक्त वोट लाएंगे। हाँ। क्या भाजपा के लोगों को पता है कि कुछ बूथ तो ऐसे हैं जो 100 वोट से लेकर 200 300 तक हैं? 370 के तो बहुत ही कम बूथ उत्तराखंड में है, बहुत कम बूथ है। आप मान के चलिए 40% बूथ ऐसे हैं। हाँ। जो 500 के लगभग 500 से ऊपर तक जाएंगे। ये संगठन के व्यक्ति बता सकता है। हाँ, आप बात पूरी करिए, ये आप अपने दिल थ्योरी ले आए, आप बहुत दिलचस्प। जी जी, हाँ। जी, और इस तरह के वहियात नारे देना मेरी समझ से तो परे है, एक बात। हाँ। दूसरी बात, जो 370 कह रहे हैं, मैं तो सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ, क्या 370 संविधान से ही हटा दिया इन्होंने? नहीं मथुरा दादी, वो उस विषय पर बाद में आएंगे ना, अभी ये वाली थ्योरी पर आओ जो आपने पकड़ी है, अभी मस्त थ्योरी है। नहीं, ये एक मिनट रुको ना, एक मिनट। कुंवर साहब का ऑडियो उठाओ। कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि जिस बूथ पर 370 वोट ही नहीं है वहां 370 वोट कैसे ले आओगे, और वो कह रहे 40% ऐसे बूथ है जहां पर 370 वोट ही नहीं है। जहां संभव है वहां 370 वोट लाए जाए,
तो इसमें क्या बुरा है? नहीं नहीं, वो कह रहे कई बूथ तो ऐसे 370 वोट ही नहीं है, काम करने वाला कार्यकर्ता है। नहीं नहीं, जहाँ वोट नहीं है वहाँ 370 वोट कैसे ले आओगे आप? वोट नहीं है वहाँ, नए वोट भी तो बन रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो चंडीगढ़ वाला मसला मत कर देना, मैं इतना जान रहा हूँ, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ जहाँ वोट नहीं है वहाँ 370 कैसे आएंगे? ये आपका सवाल वाजिब है, जहाँ वोट नहीं है तो वहाँ जितने वोट है उतने सारे भारतीय जनता पार्टी के पास आए, इसका प्रयास है। अच्छा अच्छा ठीक है जोशी जी, समझ गए आप। अब आप देखिए, वो अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं, ये जनता को बरगला रहे। जल्दी से फिर उसके बाद में जरा उमा जी के पास जाएंगे। टारगेट तो वही, तो मैं टारगेट पे ही तो सवाल खड़े कर रहा हूँ ना। जहाँ आप भी रख लो ना टारगेट। नहीं नहीं, हमने तो रखा है, हम क्या? तो अपने प्रयास में है, हम इनकी तरह कोई नारेबाजी या जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। जोशी जी, वो 5 लाख का टारगेट लेकर चल रहे, कह रहे कि 5 लाख वोटों से हराएंगे इनको। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, अल्मोड़ा लोकसभा और टेहरी लोकसभा, हाँ, आप देखना कि टोटली वोट लगभग लगभग 6 या 7 लाख पड़ेगा। हाँ, अब भाजपा अपनी तरफ सारे वोट करना चाहती है या किस हिसाब से करना चाहती है, क्या सोच रखा, कौन सा भगवान इनको वोट देगा या ईवीएम भगवान इनकी कृपा कर देगी, ये अलग बात है। लेकिन सब जगह 5 लाख से अधिक वोट है। हमारा प्रयास है कि 100% वोट पड़े, जनता जागरूक हो, वोटर जागरूक हो। लोकतंत्र में तिलक जी कैसे भाजपा को ही पड़ जाएगा वोट हो तो इसमें? अब या तो ईवीएम की मेहरबानी है, इन्होंने ईवीएम सेट कर लिए हैं, जागरूकता का मिशन लेके चल रहे हैं, तो यही हो सकता है। बाकी तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र में आदमी कहे कि 100% वोट हमी को पड़े हैं। ये तो कहा, जब देश आजाद हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति बोली थी देश में, तब भी 100% वोट नहीं पड़ा उनको। नहीं नहीं, विजन क्लियर नहीं है। आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, अंकिता भंडारी से ध्यान हटाना चाहते हैं, सीबीआईटी से ध्यान हटाना चाहते हैं, पेपर लीक से ध्यान हटाना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनको इतना वोट पड़ेगा या ये, या ईवीएम की मेहरबानी इन्होंने पहले ही सेट कर ली है कि कितनी लोकसभा क्षेत्रों को हमने टच करना है, और वो ईवीएम अभी सेट हो गई है और पहले से इतने कॉन्फिडेंस से ये कह दे रहे हैं कि इतनी तो हमारे आनी आनी है। और नहीं तो क्या ऐसा लोकतंत्र में कभी? जोशी जी, ये ईवीएम जो है, जब आप चुनाव जीते तब सेट नहीं होती, तब आप कह रहे हो कि ये लोकतंत्र की है। नहीं नहीं, मैंने हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन मैं एक मिनट, अभी ईवीएम वाला चुनाव के बाद ना, एक मिनट, ईवीएम बाद में। तिलक जी मेरी एक बात नहीं, पहले आप क्लियर कर लो, ईवीएम कर्नाटक और पंजाब में अगर ठीक हो जाती, दिल्ली में ठीक हो जाती, तो फिर बाद में क्यों खराब हो जाती? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, कर्नाटक में इन्होंने ये नहीं कहा कि हमको इतनी सीट मिल रही है। अच्छा, एक मिनट, नेता आप खुद बता दीजिए महाराज, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूँ कि कैसे दावा कर ले रहे हैं कि इतनी सीटें हमारे पास आएंगी। सर, आप भी तो कभी 400 पार लेकर आए हो ना, अब वो दावा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, एक मिनट तो रुकिए ना। आप भी तो आप भी लेकर आए थे ना 400 के पार। नहीं, हम 400 लेके आए तो हमने नहीं कहा था ना हम 400 बार जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ये बोल क्यों रहे हैं? ओके ओके, उमा जी, उमा जी, हम कह रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, एक मिनट, प्रयास में सफल हो। हाँ कुंवर साहब, एक मिनट रुकिए ना। उमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे 370 वाली थ्योरी पर? देखिए, 370 सिर्फ एक नारा है। अगर वाकई में इन्होंने जब 370 हटाई थी और उसके बाद जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के जो मेन भूभाग है उससे जोड़ने के लिए कुछ विशेष कोशिशें की होती तो आज इन्हें 370 का नारा नहीं देना पड़ता। आपने ठीक है, आपने 370 हटाई, लेकिन आज भी आंकड़ों के साथ कुंवर जी आप मुझसे जरा बात कीजिएगा कि आज भी जो दूसरे जो पार्ट के हिंदुस्तानी हैं वो कितना इजिली जाकर कश्मीर में बस पा रहे हैं, इसके बारे में जरा आप बात कीजिएगा। हमारे वो लाखों कश्मीरी पंडित जो देश के विभिन्न भूभागों पर आज भी निर्वासित जीवन जी रहे हैं वो कितना जाके बच चुके हैं, उसके बारे में आप बात कीजिएगा। कितने मोहल्ले आप लोगों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाकर उनको पोस्टर बॉय बना दिया है, जरा उसके बारे में बात कीजिएगा।
सिर्फ 370 हटा दी, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित आज भी निर्वासित हैं, उसके बारे में बोलने के लिए कोई बीजेपी तैयार नहीं है। तिलक जी अगर इन्होंने 5 लोग भी बसा दिए होते ना वापस कश्मीर में, तो उनको पोस्टर बॉय बना चुके होते अब तक, और मोदी जी के बराबर में खड़े होते, उनके दुनिया भर के पोस्टर छपे होते, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित को ये लोग वापस नहीं भेज पाए हैं कश्मीर में। सिर्फ 370 आप लोगों ने कागजों में हटा दी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वहां पर जमीनी जो हकीकत है वो आज भी वैसी की वैसी है जो आज से 370 हटने से पहले थी। आप मुझे बताइए कितने लोगों का वापस वहां पर जाना हुआ है, कितने कश्मीरी पंडित गए, कितने वहां पर सरदार बचे, कितने सिख बचे, कितने साथ जवाब दे देंगे। अभी हाल फिलहाल में किसी की राजनीतिक यात्रा खत्म हुई थी उसी लाल चौक पर जहाँ तिरंगा फहराना मना था, उसी पर ही तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड था, आप इस विषय को ले आए बीच में, लेकिन विषय मेरा उत्तराखंड था, लेकिन आप उस पर ले आए, तो आप पहले कुंवर साहब जवाब दे दीजिए। 370 हटने के बाद हजारों परिवार आज अपनी खोई हुई जमीन पर जाके बस चुके हैं, सरकार का पूरा सहयोग है और आपको भी निमंत्रण है, अगर आप भी कश्मीर में जाके बसना चाहें तो आप भी बस सकती हैं, आपको भी आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, ऐसा माहौल कश्मीर में बना दिया गया। और जितने परिवार उमा बहन भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सुनिए, आपने कह दिया आप जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए। उमा बहन आज भी हजारों लोग विशेष परमिशन लेनी पड़ती है, आज भी हजारों लोग निरंतर वहाँ जाके बस रहे हैं और सरकार का राज्य सरकार का केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है कि जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई कश्मीर से बाहर थे आज उनके मन में भरोसा जगा है कि आज हम अपनी खोई हुई जमीन को वापिस पा रहे हैं, और ये भरोसा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगाया है। ये भरोसा आज आपको ये 370 का नारा। एक मिनट उमा जी, ये 370 वाला फॉर्मूला आपको पसंद नहीं आया? एक मिनट कुंवर साहब, अभी एक मिनट आराम से। देखिए कुंवर जी, बीजेपी वालों को हर चीज का इवेंट बनाना, हर चीज का पूरा मैनेजमेंट करना, इवेंट मैनेजमेंट की तरह हर चीज को लेना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है, और मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कांग्रेस और दूसरी नहीं, तो कांग्रेस भी तो टारगेट रखे ना आपके सहयोगी, तो चलिए आपको 370 वोट भी मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ये कांग्रेस को भी तो टारगेट रखना चाहिए ना कि भाई मैंने तारीफ की है तिलक भाई। हाँ। मैंने तारीफ की है कि कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से हर चुनाव को पूरी तत्परता। अच्छा, ईमानदारी से उमारी, आप बेबाक बोलने वाले चेहरों में से, ईमानदारी से कांग्रेस की तैयारी आपको लगता है कि बीजेपी से लड़ने की मजबूत दिखाई दे रही है उत्तराखंड में? ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना संगठन है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हाँ। कांग्रेस की अंदर से तैयारी कितनी है मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन कांग्रेस को अपनी तैयारियां और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ये सलाह मैं कांग्रेस को जरूर दूंगी। जोशी जी, सुन रहे हैं अपने सहयोगी की सलाह? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो खुद संगठन के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि संगठन की ताकत क्या होती है। बिल्कुल, उनकी सलाह बिल्कुल वाजिब है, मैं सहमत हूँ उनकी सलाह से। हाँ। कि हमें और मजबूती से काम करना है, हम काम कर रहे हैं। आपकी लड़ाई उस पार्टी से है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, मानते ना? नहीं, वो दावा करती है, बड़ी पार्टी नहीं है, दावा ठीक है आज कर रही है। हरा के दिखाइए ना फिर, आप बातों से तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे तिलक जी। 5 में से कितने जीतोगे आप? देखिए, 5 में से हम आपको बताएंगे, 5 के 5 भी जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत और काम करने की जरूरत है। जो 2009 का इतिहास दोहराएगी उत्तराखंड की जनता, याद करके रखिए, इतने बड़े घमंड में मत रहिए भाजपा के लोगो, अभी तो समय है। अच्छा, घमंड में देखते रहिएगा, और घमंड में बोलने की जरूरत नहीं है। 370 की बात करें, मैं वही देख रहा था कि 370 क्या जम्मू कश्मीर से ही खत्म कर दी, संविधान से हटा के धारा, जनता पार्टी की सरकार के काम, राज्य सरकार के काम, सवाल सवाल जो वाजिब है उन सवालों पर अगर डिस्कस किया जाए तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कहा ना, ये बता दें कितने बूथ इतने हैं, ऐसे हैं जिनमें 500 से नीचे बूथ हैं, मतलब जानकारी रख के अगर लोग बात करें तो हम कहें कि हाँ ठीक है। अच्छा, एक मिनट कुंवर साहब, एक बात बताइए कुंवर साहब, आप इतना एग्रेसिव क्यों कुंवर साहब? रुको ना एक सेकंड, मैं एक बात जानना चाह रहा था। चलिए, आप कह रहे हो 370 वो एक अलग विषय है, लेकिन एक बात उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड की जनता को ये बताइए
कि आपके पांचों सांसदों ने ऐसे कौन से पांच काम किए हैं जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे, सिर्फ पांच काम बताइए। तिलक जी, ये संसदीय क्षेत्रों के अंदर ही काम हो रहे हैं, जो इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केंद्र की इतनी यहाँ योजनाएं चल रही हैं, तो सर पांच काम बताइए ना, कौन से आपके सांसदों ने किए? अपने पांचों सांसदों के नाम ही बता दे तो मैं जनता को ये भी नहीं पता कि हमारे पांच सांसद हैं कौन, कभी दिखाई नहीं देते सड़कों पे। मैडम आपके पदाधिकारियों के नाम थोड़ी ना पूछ रहे हैं हम आपकी पार्टी के, एक मिनट रुकिए ना। उनके सांसद कौन है? उत्तराखंड के जागरूक मतदाता के ऊपर और जागरूक जनता के ऊपर आप बहन आप प्रश्न चिन्ह लगाने का काम ना करें। जनता लगाती है, उनकी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। एक मिनट महोदय, एक मिनट रुके ना, वो पोस्टर कौन चिपकवाते हैं सबको मालूम है? एक मिनट, पांच काम कुंवर साहब प्लीज बता दीजिए, चार बता दीजिए। चलिए देखिए, सबसे सबसे पहले तो कनेक्टिविटी को लेकर, रोड कनेक्टिविटी को लेकर जितने प्रस्ताव हमारे सांसदों द्वारा दिए गए वो सभी स्वीकार हुए, और जो प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी का काम चला है, चाहे वो आप हमारे विभिन्न सांसदों की, हम पांचों सांसदों की बात कर रहे हैं, चाहे वो हवाई कनेक्टिविटी को ले लीजिए, रेल को ले लीजिए, या हमारे रोड को ले लीजिए, या हमारा टावर्स मोबाइल टावर्स को ले लीजिए, उसे लेकर रेल लाइन जो रेल पुरुष वाला मसला था। एक मिनट उमा जी प्लीज, एक एक करके प्लीज उमा जी, एक एक करके अगर सवाल पसंद ना आए तो बोलिए सवाल गलत है। तो रेल में कहां तक हम आगे बढ़े कुंवर साहब आप ही के मुताबिक? मुझे तो लगा इसमें उत्तराखंड में जाल खंडूरी जी ने भी बिठाया था। तिलक जी कर्ण प्रयाग तक हम अपने सांसदों के प्रयासों से, आपको भी पता है कि बहुत जल्द हम कर्ण प्रयाग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर कर्ण प्रयाग तो सर वो यूपीए शासन काल से अभी तक चला हुआ आ रहा मामला। चौकुटिया का क्या हुआ? कर्ण प्रयाग रेल पुरुष के नाम पर फीता काटने वाले वो तो आपके साथ चले गए। अच्छा चलिए चलिए, तीन काम कुंवर साहब, एक मिनट रुकिए, गुस्सा मत होइए जोशी जी, एक मिनट रुकिए ना, सब जोश में। देहरादून से कालसी का क्या हुआ ये तो बता दो पहले। मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए तो सही, कितने रेलवे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं जोशी जी? एक मिनट, आपको पूरी उम्मीद ये है कि बीजेपी से पूछना है, आपकी सत्ता में क्या हो? एक मिनट रुकिए ना आज कुंवर साहब, तीन काम बता दीजिए, तीन चार छोड़िए आप, तीन बता दीजिए। देखिए मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो डेफिनेटली उसे लेकर आपको, हमें सबको पता है कि बलूनी जी ने कितना बड़ा काम करा आज आप मोबाइल कनेक्टिविटी, और उसके अलावा जो हमारा एक तारामंडल रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है वो भी हमारे सांसद के प्रयास से। यानी आप ये कह रहे हैं कि धारचूला में जैसे नेपाल के कनेक्शन आते थे, नेपाल के फोन लगता था, वो अब वो नहीं लगता? हम पूरे उत्तराखंड के 13 पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, आप कहाँ धारचूला पहुँच गए? नहीं, धारचूला में जो है नेपाल के टावर के कनेक्शन आते, मैं इसलिए पूछ रहा था। आपको मालूम है कि हमारे सांसदों ने कितने बड़े बड़े काम करे, आप ठीक है, अगर आप ऑन स्क्रीन हम इसे करवाना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं। हाँ तो वही तो जानना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को लेकर, आप नेशनल हाईवे को लेकर हमारे सांसदों ने, दोनों सांसदों ने, नैनीताल सांसद, हरिद्वार सांसद कितने बड़े काम किए हैं, उनके ऊपर कनेक्टिविटी को लेकर कितने प्रोजेक्ट हमारे कामयाब हुए हैं, कहां देहरादून से लेके धारचूला तक की दूरी जो पहले 16-18 घंटे गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक बही है, कुल मिलाकर ये है कि काम ही काम हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रोड आज वो मात्र 6-8 घंटे। जरा समय दीजिएगा, इनको चुप कराएंगे तो मैं जरा पूछ लूं दो सवाल। हाँ पूछिए। देखिए इन्होंने कहा कि रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये अभी भी इस प्रदेश में 300 सड़कें बंद पड़ी हैं, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा, 300 सड़कें बंद है। एक बात, रेल कनेक्टिविटी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग के अलावा जो यूपीए सरकार की देन है, जो रेल पुरुष भी आप कह रहे हैं, उनका भी प्रयास होगा, लेकिन सोनिया जी ने उसका शिलान्यास किया था, आपको पता, एके एंटोनी साहब आए थे, सोनिया जी बीमार होने की वजह से नहीं आ पाई थी, आप उसके अलावा, मैं यही बता दूं, डोईवाला से ऋषिकेश जिनसे नहीं जुड़ पाया, डोईवाला से यमुनोत्री गंगोत्री वाला रूट में इन्होंने कोई काम नहीं कर पाए, डोईवाला से साकार रूप आप बता दिए, डबल लेन आज तक नहीं बना पाए, हरिद्वार देहरादून वाली, और रामपुर से काशीपुर नहीं जोड़ पाए, एक मिनट उमा जी, उमा जी एक मिनट, उमा जी आपको क्या लगता है कि
इस बार का चुनाव उत्तराखंड के संदर्भ में किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा है ना, एक होता है ना हॉट केक जो बीजेपी, आपको क्या लगता है कौन सा? देखिए ये जो चुनाव है इसमें उत्तराखंड का कोई भी मुद्दा हाईलाइट नहीं होने वाला है। इसमें एक ही मुद्दा होगा कमल और दूसरा मुद्दा होगा मोदी जी। मोदी जी जिसको भी खड़ा करेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा, वही उसकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो पहली बार सुन के बड़ी खुश हूँ कि कुंवर साहब ने कम से कम अपने सांसदों के बारे में कहा तो सही कि उन्होंने ये काम कराए हैं। हम तो आज तक यही सुनते हैं कि सारे काम अकेले सिर्फ और सिर्फ मनमोहन आरवी मोदी जी ने करे। तो यानी कि जब मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना है तो उसमें उत्तराखंड के सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और जो भी सांसद यहाँ पर खड़े होंगे चुनाव के लिए, जो भी नेता खड़े होंगे, उनका अपना होना ना होना कोई मायने नहीं रखता इन सब चुनाव में, क्योंकि इनके पास सिर्फ वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है। मोदी जी का चेहरा ही इनके लिए एक है। प्रधानमंत्री तक के चुनाव के लिए सिर्फ मोदी जी। उमा जी आपके नेता कौन है? देखिए इसमें हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आपकी पार्टी के नेता कौन है? केजरीवाल जी। उनकी पार्टी के नेता मोदी जी हैं। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नहीं नड्डा जी नेता नहीं है, मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नेता नहीं होता इनके यहाँ। एक मिनट मथुरादेव जोशी जी, जी आपके नेता कौन है, खड़गे जी या राहुल जी? निश्चित रूप से खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल जी हमारे युवा नेता यही तो मैं आपसे कह रहा था। आप उनको सलाह दे रहे हो, कह रहे हो हाँ हमारे अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं लेकिन नेता तो राहुल जी हैं, तो यही तो बात है। ठीक है, पूर्व अध्यक्ष है उनका भी वही सम्मान है, हाँ, लेकिन तो आज वर्तमान सर अब हमें मालूम है। जोशी जी छोड़िए ना उस बात को, कौन नेता है कौन अभिनेता छोड़ दीजिए उस बात को। एक मिनट आपको कुल मिला के मैं फाइनल कमेंट कुंवर साहब जी का क्या हाल है, हाथ पकड़ के धक्का देके बाहर कर दे रहे हैं आप। दो देखे गृह मंत्री जी के कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री अच्छा, के कार्यक्रम में कुंवर साहब जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर साहब एक मिनट जोशी जी एक मिनट। आपने कहा कि पांचों सीट हमारी विजय तय है कुंवर साहब, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, जनता के बीच अब आप जाएंगे पता नहीं उन सांसदों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक सवाल है। वो तो खैर आप जाने, आपकी पार्टी का मसला है, आलाकमान तय करेगा। लेकिन एक बात, जनता अगर आपसे पूछेगी कि उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ उस पर आपने क्या किया, हाकम सिंह का हाकिम कौन है, जनता आपसे पूछेगी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है आज तक पता नहीं चला, तो फिर वो 370 मांगने वाली बात, वो स्मार्ट सिटी जो हिचकोले खाते हुए देहरादून की जनता है वो कहेगी कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है, और वो जो गाँव गोद लिए गए थे वो बड़े हो पाए नहीं हो पाए जनता पूछेगी, तो क्या कहेंगे आप? जनता 370 जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां हुई हैं उससे पहले किसी सरकार के समय पेपर लीक हुआ था कि नहीं, पेपर लीक के आरोपी सलाखों के पीछे गए थे कि नहीं गए, हाकम सिंह का हाकिम कौन है, उससे पहले भी हाकम सिंह का हाकिम कौन है कुंवर साहब, नाम तो बता दीजिए। हाकिम सिंह भी जेल गया, हाकम सिंह का हाकिम कौन है जेल गया, हाकम सिंह का हाकिम कौन है, आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों को कुंवर साहब एक बात तो बता दीजिए, हाकम सिंह का हाकिम कौन है सलाखों के पीछे, हाकम सिंह का हाकिम कौन है? एंड पार्टी सब जेल गए हैं आपको भी पता है, और वीआईपी कौन है, अंकिता भंडारी हत्या का कोई हाकिम बख्शा नहीं गया, वीआईपी कौन है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जेल की सलाखों के पीछे है, वीआईपी कौन है सर, सजा भुगत रहे हैं। और निश्चित मानिए कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ने वादा किया था उस परिवार से, चलिए बिल्कुल भी, लेकिन आपने वो फॉर्मूला नहीं बताया जो जोशी जी ने आपसे पूछा था कि जिस 40% बूथों में 370 या 400 वोट है वहां आप 370 वोट कैसे ले आओगे, और अधिकांश बूथों पर 300 वोट भी नहीं है, 300 वोट है तो वहां कैसे आ जाएंगे? देखिए जिस बूथ पर 50 वोट है और वहाँ 20-30-40 वोट और बढ़ने हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा वो सब कुल मिला के। मथुरादत्त जोशी जी की चिंता और उमा जी की चिंता इतनी है कि वो चंडीगढ़ वाला फॉर्मूला मत अपना लीजिएगा आप, वो चिंतित इस बात पे है कि चंडीगढ़ वाला फॉर्मूला अपना लिया तो दिक्कत हो जाएगी कि जहां आपके वोट है भी नहीं वहां भी अपने नाम हो गए, तो वो कहानी उनको ये डर सता रहा है। जोशी जी यही कह रहे थे ना आप। खैर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, मथुरा जी आपका भी, और उमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये 370 के नाम पर अब बीजेपी
जिस तरह से राजनीति कर रही है, उस लिहाज से क्या उत्तराखंड में वो इस मुद्दे को बुना पाएगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।